वहीं ग्वालियर का राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल यानी ग्वालियर का नया एयरपोर्ट प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट की शुरुआत दिल्ली से आई फ्लाइट के साथ हो चुकी है। दिल्ली से उड़ान भरकर ग्वालियर के नए एयरपोर्ट पर फ्लाइट ने लैंड लिया। खास बात यह है कि इस नए एयरपोर्ट पर दिल्ली से आए पहले विमान में खुद केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सवार थे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से अपनी अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि आज से सभी फ्लाइट्स इस टर्मिनल में आएंगी। ग्वालियर की इतिहास और संस्कृति का पूर्ण अनुभव लेकर जब यहाँ से जाएंगे, ग्वालियर के इतिहास को सूर्य की किरण के तौर पर देश में फैलाएंगे। प्रधानमंत्री दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। आज बहुत बड़ी सौगात है। पीछे कर लो, थोड़ा सा पीछे कर लो। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 तारीख को, 10 मार्च को जिस एयर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था, आज पहली फ्लाइट उस टर्मिनल में आ चुकी है और आज से सभी फ्लाइट्स इसी टर्मिनल में आएगी। ये टर्मिनल केवल हवाई अड्डे का टर्मिनल नहीं है, लेकिन ग्वालियर के प्रगति और विकास के द्वार प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थापित किए गए। हवाई अड्डा अपने आप में शहर का प्रवेश द्वार है, शहर का निवेश द्वार है, शहर की सांस्कृतिक एवं इतिहास की दृष्टिकोण की द्वार है।